कंबल का घर। शहर में कोसों दूर एक छोटा सा गांव बसा था, जहां की आबादी बहुत ही कम थी। साथ ही गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग बहुत गरीब थे, जो अपने छोटे और टूटे फूटे घरों में रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बात एक रोज की है, जब ठंडी हवाओं के चलते गांव में रहने वाली बिंदिया ठिठुरते हुए बाजार जा रही होती है। तभी उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाली रचना उसे टोक देती है। अरे बिंदिया बहन, इतनी ठंड में कहाँ बाहर घूम रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है ठंड में गांव भ्रमण करने का, वो तो घर में सब्जियां नहीं है तो जरा बाजार ही जा रही थी। अच्छा, जब जा ही रही हो तो मेरे लिए 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेती आना। क्यों रचना, तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है क्या? अरे इतनी सर्दी में मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए सब्जियां लेकर आऊं? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, चलना है तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मेरा काम कर देगी तो घिस जाएगी ना। अरे क्या सोचने लगी, चलोगी या मैं निकलूं? नहीं नहीं रुको, अभी थैला लेकर आती हूँ। रचना कुछ ही देर में अपना पर्स और थैला लेकर बिंदिया के साथ बाजार की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही दूर चलने पर अचानक से बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। हाय दया, बर्फ क्यों गिरने लगी? अरे तुम रुक क्यों गई? चलती रहो, शरीर गर्म रहेगा, वरना इस बर्फीले मौसम में खड़े खड़े कुल्फी जम जाएगी। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। दोनों बाजार पहुँचती है तो देखती है कि बर्फ पड़ने के कारण सभी अपना अपना थैला लेकर कांपते हुए घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी दोनों जल्दी से सब्जियां लेकर निकल जाती है। रास्ते में वो श्मशान के पास से गुजरती है तो वहाँ किसी की चिता जल रही होती है। तुम्हें पता है, ये पड़ोस वाले श्याम काका की चिता जल रही है, बेचारे ज्यादा सर्दी लगने के कारण चल बसे। हाय हाय, इस सर्दी के कहर ने तो ना जाने गांव के कितने लोगों की जान ले ली है। बिंदिया बहन, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से निकल जाती है। बर्फ पड़ने के कारण गांव में पूरी तरह सन्नाटा था, सभी अपने घरों में खुद को किसी तरह गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात को बिंदिया का बेटा ठंड के चलते ठिठुर रहा होता है तो बिंदिया उसे अपनी भी चादर ओढ़ा देती है, फिर अपने पति को जगाती है। सुनिए जी, बाहर से ठंडी हवा अब भी आ रही है, आप कुछ कीजिए ना। बिंदिया, अब ठंड ही इतनी है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, तुम नंदू को अपनी गोद में ले लो, ठंड लग गई तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह तो हम ठंड से ठिठुरते ही रहेंगे, हमारे पास तो कंबल या रजाई भी नहीं है जिससे हमें ठीक से गर्माहट मिल सके। बिंदिया सोने की कोशिश करो, अगले महीने जब पैसा मिलेगा ना तो कम दाम में कंबल या रजाई लेने की कोशिश करूंगा। गोपाल बिंदिया को समझा देता है और दोनों कांपते हुए लेट जाते हैं, लेकिन बिंदिया को ठंड के चलते नींद ही नहीं आती। अब बीतते समय के साथ हर शाम को बर्फबारी हुआ करती और ठंड बढ़ जाती। बढ़ती ठंड के कारण गांव में बहुत लोगों की मौत हो जाती है। ठंड के कारण गांव का सरपंच भी अक्सर बीमार ही रहा करता था। बात एक रोज की है, जब गांव के मंदिर में एक बहुत ही अमीर आदमी और गांव वालों को कंबल दान करता है। ये बात जब रचना और बिंदिया को पता चलती है तो बाकी गांव वालों के साथ वो दोनों भी भागी भागी मंदिर के बाहर आती है। अरे वाह, ये आदमी तो कितने सारे कंबल लेकर आया है। हाँ तो खड़ी क्या हो, आगे बढ़ो, कहीं हमारी बारी आने तक कंबल खत्म ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, कंबल तो मुझे चाहिए ही, वैसे भी सर्दियों के समय में कंबल की बहुत जरूरत होती है मेरे घर में। दोनों जाकर एक एक कंबल लेती है और कुछ देर बाद फिर से आकर और 2-4 कंबल ले जाती है। कंबल पाकर सभी गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि गांव में बर्फबारी के चलते अक्सर ठंड ज्यादा हो जाया करती। अब शाम के समय फिर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो गोपाल उन कंबलों में एक कंबल ओढ़ लेता है। अरे वाह, क्या कंबल है, ये तो बहुत गर्माहट दे रहा है बिंदिया, भगवान इस अमीर आदमी का भला करे, इतना बढ़िया कंबल दिया है। सच में ऐसी बात है क्या? फिर तो एक काम करते हैं जी, हम इन कंबलों को घर की छत पर लगा देते हैं। वैसे ही छत जर्जर और टूटी है, ये कंबल लगाने से कम बर्फ पड़ने पर भी हमारे घर में गर्माहट तो रहेगी ना। सही कह रही हो बिंदिया तुम, ये करना ठीक रहेगा। तभी गोपाल उन कंबलों को अपने घर की छत पर लगा देता है
और उसकी देखा देखी बाकी गांव वाले भी ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर कि उन्हें इस कड़कती ठंड में राहत मिलेगी, अब पूरे गांव के लोगों ने कंबल के घर बना लिए, जिससे कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है। लेकिन घर में गर्माहट के चलते गांव के लोग आलसी हो जाते हैं और सारा दिन घर में ही कंबल की गर्माहट में रहने लगते हैं। तभी एक रोज बर्फबारी के साथ अचानक ही बूंदाबांदी होने लगती है। हे भगवान, ये बारिश क्यों होने लगी? अब हमारे घरों का क्या होगा? धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है और सभी के घरों के कंबल भीग जाते हैं और ठंड के कारण लोगों का बुरा हाल होने लगता है। बीमार सरपंच भी गांव की इस हालत से भली भांति परिचित था। ये लोग भी ना अपने मन के ही करते हैं, इस कंबल के घर की वजह से क्या हालत हो गई है इनके घरों की। सरपंच गांव के लोगों का हाल बेहाल देखकर हैरान था। तो वहीं अब कंबल के गीला होने से दिक्कतें आने लगी थी। तभी ऐसे हालात में रचना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस गीले कंबल की छत के नीचे रहे तो शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी कांपने लगेगी। हम ऐसा करते हैं कि घर की कुछ लकड़ियाँ जला लेते हैं, जिससे हमें सर्दी कम लगेगी और ये गीले कंबल भी जल्दी सूख जाएंगे। रचना का पति उसकी बात से सहमत होता है, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके घर में जला कर रख देता है। उसकी देखा देखी बाकी गांव के लोग भी अपने घरों में गर्माहट लेने के लिए यही करते हैं। आधी रात तक सब ठीक रहता है, सभी सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सब उठते हैं तो आग के कारण सबके घरों की छत जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो घर ही बेकार हो गया। अब इस कड़कती ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अब तो हमारे सिर पर छत ही नहीं रही। ये सब तुम लोगों के आलसपन का नतीजा है। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे कंबल के घरों में रहकर तुम सभी आलसी हो गए थे, घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था सभी ने। इतना आलस आ गया था तुम सबको, घर के अंदर ही आग जलाकर बैठ गए। अब उसी आग की लपेट में अपने घर की छत भी गवा बैठे। वो तो भगवान का शुक्र है कि आग लगने के कारण किसी की जान नहीं गई। सरपंच की बात सुनकर सभी अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा थे। तभी गोपाल कहता है, हाँ सरपंच जी, हमारी ही गलती है, लेकिन अब हम अपने घरों को ठीक कैसे करें? घर की छत का होना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी आलस छोड़ो और जंगल चलो लकड़ियां काटने के लिए, ताकि अपने घरों की छत को मजबूत बना सको। सभी गांव वाले सरपंच की बात से सहमत होते हैं और अपने अपने औजार लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लकड़ियां काटना शुरू करते हैं और सभी के मिलकर काम करने के कारण बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाती है। लगातार काम करने के कारण लोगों को सर्दी के समय भी पसीना आने लगता है, तो लोग अपने स्वेटर उतार देते हैं। अरे स्वेटर क्यों उतार दिया आपने? ठंड लग जाएगी आपको। नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी अचानक से शरीर में गर्मी होने लगी। ये होता है मेहनत करने का फायदा। जब तुम लोग कंबल के घरों में आराम से बैठे थे, क्या तुमने तब ये गर्मी का एहसास किया था? नहीं ना, क्योंकि बैठे रहने से इंसान को और सर्दी लगती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हमें आलस छोड़कर फुर्ती से काम करना चाहिए। सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कंबल का घर हमें आलसी बना रहा था, अब हम अपने घरों की छत को इन लकड़ियों से और मजबूत बना देंगे और कंबल के भरोसे नहीं रहेंगे। वैसे भी हम ये भूल गए थे कि कंबल ओढ़ने के लिए होता है, ना कि घर बनाने के लिए। चलो फिलहाल तो ये लकड़ियाँ लेकर हमें गांव चलना चाहिए, अंधेरा होने से पहले घर की छत भी तैयार करनी है। सभी लकड़ियाँ लेकर गांव पहुँचते हैं और लकड़ियाँ जोड़कर अपने अपने घरों की छत को तैयार करने लगते हैं। सभी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और सभी के घरों को एक मजबूत और नई छत मिल जाती है। और इस तरह गांव के सभी लोग आलस करना और कंबल के भरोसे रहना छोड़कर अपने काम करने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे उन्हें सर्दी के कारण ज्यादा दिक्कत ना हो।